एशियन गेम्स के लिए नेपाल की टीम का हो गया ऐलान। इनफॉर्म अर्जुन साउथ की हो गई छुट्टी। आरिफ शेख और भीम सरकी को भी किया दरकिनार। विवेक यादव, अविनाश बोहरा और विनोद भंडारी को मिली जगह। आगामी नवंबर में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2023 के लिए नेपाल क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान हो गया। 15 सदस्यीय टीम में 3 खिलाड़ियों की लंबे समय बाद वापसी हुई है, जबकि आरिफ शेख, भीम सरकी की भी छुट्टी हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनफॉर्म विकेटकीपर अर्जुन साउथ को टीम में जगह नहीं मिली, जबकि उनकी जगह पर एक बार फिर आसिफ शेख को टीम में मौका दिया गया है। पहले एक नजर जरा 15 सदस्यीय टीम पर डाल लीजिए। रोहित पौडेल कप्तान, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ला, गुलशन झा, करण केसी, अविनाश बोहरा, संदीप लामिछाने, ललित राजवंशी, विवेक यादव, प्रतीश जीसी, सोमपाल कामी, संदीप जोरा और विनोद भंडारी। T20 फॉर्मेट में होने वाले एशियन गेम्स के मुकाबलों में सभी मुकाबले नॉकआउट होंगे, यानी जिस भी मुकाबले में टीम हारी टीम को बाहर जाना होगा। यही वजह है कि एशियन गेम्स में नेपाल टीम को बहुत मेहनत करनी होगी। इन मुकाबलों को जीतने के लिए टीम को T20 फॉर्मेट के विशेषज्ञ खिलाड़ियों का चयन करना होगा। यही वजह है कि टीम चयन में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। T20 विश्व कप और उससे पहले चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स में नेपाल टीम T20 में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, इसी के लिए नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने विनोद भंडारी, विवेक यादव और कमल सिंह ऐरी को भारत में तैयारी के लिए भेजने का फैसला किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कमल सिंह ऐरी का चयन एशियन गेम्स के लिए किया ही नहीं गया। इसके साथ ही इस बार टीम चयन को थोड़ा सावधानी से जरूर चुना गया है। इसमें अर्जुन साउथ की गैर मौजूदगी जरूर खलने वाली है, जबकि पवन सरार जिस उम्मीद के साथ नेपाल के टीम मैनेजमेंट लेकर आया था उसमें वो नाकामयाब रहे और आखिरकार बदतर प्रदर्शन की वजह से उन्हें टीम से हटा दिया गया। एशियन गेम्स में मुकाबला बेहद प्रतिस्पर्धात्मक होगा, लेकिन इसमें टीम चयन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ग्लोबल T20 सीरीज के लिए संदीप लामिछाने और दीपेंद्र सिंह ऐरी दोनों ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में दोनों की टीम में वापसी टीम का मनोबल बढ़ाएगी, इसके साथ ही टीम का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।